हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी सी एस एच ए यू एम एफ एस सी एंट्रेंस एग्ज़ाम सॉल्व पेपर के बारे में तो ये है एम एस सी फिशरीज साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें यदि आप सभी फ़िशरीज़ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं इस कोर्स का प्राइस वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ है इसमें आपको आई सी आर जे आर एफ साइंस के लिए हेल्प करेगा ये प्रिपरेशन कराई जाएगी फ़िशरीज़ ऑफिसर फ़िशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर फ़िशरीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ़ फ़िशरीज़ फिशरीज इंस्पेक्टर विलेज फिशरी असिस्टेंट डायरे डिस्ट्रिक्ट फ़िशरीज़ ऑफिसर इतने एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी वैलिडिटी आपको दी जाएगी सिक्स मंथ तक की और इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट एग्रीकल्चर जी डॉट इन में विज़िट कर सकते हैं या आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है विच नेटिव फिश ऑफ इंडोनेशिया इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया तो इनमें से कौन सी जो नेटिव फिश है इंडोनेशिया की वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में वो है ये है ऑस्ट्रोनिमस गोरेमी नेक्स्ट है हाइपोफाइसेशन इज़ यूज टू हाइपोफाइसेशन जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सीज करेक्ट आंसर इंड्यूज स्पॉनिंग आर्टिफिशियली नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट लार्वा ऑफ द ईल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लार्वा जो ईल की है उसे क्या कहते हैं उसे कहा जाता है लैप्टोसिफेलस विच डिजीज इज कॉज बाय फिश स्लाइस इन वॉट फ्रेश वाटर फिश इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि फ़िश स्लाइज के कारण के द्वारा होती है फ्रेश वाटर फिशेज में वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ करेक्ट आंसर आर्गुलोसिस विच हारमोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग इन क्रस्टेशियंस जो इनमें से कौन सा हारमोन रिस्पॉन्सिबल होता है मोल्टिंग क्रस्टेशियंस में मोल्टिंग के लिए वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर ई सी डी ट्रांजिशनल लैरबल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पर्ल इज इनमें से आंसर होगा ट्रांजिशनल लैरबल जो स्टेज है लाइफ साइकिल पर्ल की वो आएगा पैडी वेलीगर नेक्स्ट है ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इज नोन एज तो ब्रीडिंग ग्राउंड जो है बुंद की उसे किसके नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मून के नाम से जानते हैं नॉन एडेसिव फ़िश एग्स आर मोस्टली तो नॉन एडेसिव जो फिश एग्स हैं वो कैसे होते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैलेजिक एग्स होते हैं नंबर ऑफ राइपनिंग ओवा इन द फीमेल गोनाट प्रायोर टू स्पॉनिंग पीरियड इज़ नोन एज जो नंबर ऑफ राइपनिंग ओवा का है फीमेल गोनाट प्रायोर में वो स्पॉनिंग पीरियड क्या कहलाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेकेंटिटी द बेट ऑफ द गोनाड रिलेटिव टू बॉडी वेट इज नोन एज क्या जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ओवेप्रेम ओवेप्रेम का कंपोजिशन क्या है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस जी एन आर एच ए एंड डोमपेरीडोन नेक्स्ट -E है सी आई एफ ई इज़ लोकेटेड एट ये कहाँ पे लोकेटेड है सी आई एफ ई तो ये लोकेटेड है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई में लोकेटेड है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करेक्टिंग द लो पी एच इन फिश पॉन्ड इज सबसे जो मोस्ट कॉमन मेथड है करेक्ट करने की लो पी एच को है ना फिश पॉन्ड में वो क्या है आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लाइमिंग लाइमिंग कर देना मतलब पी एच को क्या हो जाएगा वो लो करने का एक मेथड हो जाएगा ठीक है लो पीएच को करेक्ट करने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबमर्ज वीट इनमें से कौन सा सबमर्ज वीट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरेटो फाइलम नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर मोस्ट फियर्स इन प्रेइंग अपॉन फ्राई इन फिश पॉन्ड तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिज मतलब बेलोस्टोमा नोटोगा नेपा ऑल ऑफ दिज इज करेक्ट आंसर स्मॉल फिश विच फीड ऑन जू प्लैंकटन बिलोंग्स टू विच ट्रॉफिक लेवल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर थर्ड तो जो स्मॉल फिश जो कि क्या करते हैं जू प्लैंकटन को खाती हैं उस किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करती तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करती हैं विच इज़ अलैंटिक वाटर बॉडी इनमें से कौन सी लैंटिक वाटर बॉडी है आंसर जगह पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज इन लैंटिंग वाटर बॉडी रिसीव सफिशियंट सनलाइट इनमें से कौन सी वाटर बॉडी जो है वो सफिशियंट सनलाइट को रिसीव करती है आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी लाइमनेटिकून इन गोवा फिशिंग इज बेंड ज्यूरिंग तो गोवा में जो फिशिंग है ठीक है बैन है क्यों कब से बैन है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर फर्स्ट जून टू फर्स्ट थर्टी फर्स्ट जुलाई के बीच में जो फिशिंग करना यहाँ पे बैन बैन किया गया है सडन मास डेथ ऑफ फेसिस फ्रॉम ऑक्सीजन डेप्रीशन इज मोर लाइकली इन तो जो सडन मास डेथ हो जाती है की ऑक्सीजन डिप्रीशन से वो किसके लिए हो कब से होती है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूट्रोफिक लेक नेक्स्ट है स्केरसिया कोलाई इस यूज एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटर्मा पॉल्यूशन ऑफ वाटर देती है किससे है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेकल मैटर द एसोसिएशन बिटवीन शार्क एंड शक्कर फिश इज कॉल्ड एसोसिएशन किसके बीच का शार्क और शकर फिश के बीच का किसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कमेंसेलिज्म कहते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ मोर एडवांटेजियस टू कंट्रोल एक्वेटिक बीट्स इन अ फिश पॉन्ड इनमें से कौन सी मैथड जो है बहुत ज़्यादा एडवेंटेशियस है किसके लिए कंट्रोल करने के लिए एक्वेटिक वीट को फिश पॉन्ड में वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बायोलॉजिकल मैथड स्टेनली रिजर्वायर इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेनली रिजर्वायर को किसके नाम से जाना जाता है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेथर के नाम से जाना जाता है also, विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज अ मेजर रीजन फॉर एल्गल ब्रूम तो इनमें से कौन सा मेजर रीजन है एलगल ब्लूम के लिए तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन डिप्रीशन अकर्स मोस्टली इन पॉन्ट्स ड्यू टू देंडेंस ऑफ तो ऑक्सीजन डिप्रीशन जो होता है मोस्टली पॉन्ट्स में वो किसके अपेंडेंस के कारण होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माइक्रोफाइट्स के कारण होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पौंड इको सिस्टम इज ऑलवेज जो पिरामिड एनर्जी की जो पिरामिड है पौंड में इको सिस्टम में वो हमेशा कैसी होती है ऑप्शन नंबर डी अपराइट होती है द लार्जेस्ट ब्रेकिज वाटर लेक इन इंडिया इज लार्जेस्ट ब्रेकिज वाटर लेक इंडिया में है वो क्या है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट वाटर लेक कहा जाता है इंडिया में नेक्स्ट है विच फिश लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन टू हंड्रेड स्पीसीज ऑफ सिकाइल फिश इन द लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका इनमें से कौन सी फिश है वो लेट करती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर नील नील पर्क नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर फिश क्या है आंसर ऑप्शन नंबर बी गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को गेन करना मिनीमाटा डिजीज कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ जो मिनीमाटा डिजीज है वो किसके कंजम्पशन के कारण होती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फिश कंटामिनेटेड विथ मरकरी जब फिश क्या हो जाती है कंटामिनेट हो जाती है मरकरी के साथ तो क्या हो जाएगा मिनीमाटा डिजीज होती है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश लेस एडहेसिव एग्स इनमें से कौन सी जो फिश है एडेसिव एक्स को आ, ले करती है तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइप्रेनस स्कॉर्पियो नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनी डायरेक्शनल द हेडक्वाटर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड ए तो हेड क्वार्टर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का वो कहाँ पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है गोवा में ट्रीटमेंट ऑफ फिश विथ वॉटर विथ सॉल्ट इज़ कॉल्ड जो फिश का ट्रीटमेंट करना किसके साथ सॉल्ट के साथ उसे क्या कहते हैं आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रीनिंग कहते हैं ब्राइनिंग कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ फ़िश फूड इनमें से कौन सा मेजर कंपोनेंट है फिश फूड का तो वो है ऑप्शन नंबर सी मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों ही बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स हैं फिश फूड के द मोस्ट एफिशिएंट गियर यूज अलोंग द कर्नाटका कॉस्ट इज आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामपानी नेट विच ऑफ़ द फॉलोविंग आर एक्टिव फिशिंग गियर्स इनमें से एक्टिव एक्टिव फिशिंग गेयर कौन सा है तो आंसर हो जाएगा सीन जो है एक्टिव फिशिंग गेयर्स है विच ऑफ द फॉलोविंग आर नॉन मैकेनाइज फिशिंग क्राफ्ट इनमें से नॉन मैकेनाइज फिशिंग क्राफ्ट कौन सा है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसूला बोट विच फिशरी इंस्टीट्यूट इज इंगेज इन रिसर्च रिलेटेड टू फिशिंग एंड फ़िश प्रोसेसिंग इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि इंगेज होता है बिज़ी होता है किसकी रिसर्च करने के लिए फ़िशिंग और फश प्रोसेसिंग से रिलेटेड रिसर्च करने में इंगेज होता है तो वो है आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आई एफ टी नेक्स्ट है एन एमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड एज तो जो एक इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करती है पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को उसे हम क्या कहते हैं उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी कंटूर कह देते हैं विच नेट इज यूज फॉर बॉम्बे डक ऑन गुजरात इनमें से कौन सी नेट का यूज करते हैं बॉम्बे डक गुजरात में तो आंसर ऑप्शन नंबर बी डोल का यूज करते हैं नेक्स्ट है आइसिंग लेस इज ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ फिश जो इस है आइसिंग आएस ग्लेस आइसिंग ग्लास जो है उसको हम किस पार्ट से फिश के ऑप्टेन करते हैं आंसर होगा एयर ब्रेडर से हम उसको ऑप्टेन करते हैं विच आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ और फिशिंग गियर्स तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर और हाई एब्रिशन रजिस्टेंस नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इन अ पॉन्ट करेक्ट द अब जिप्सम का अपलिकेशन करना पॉन्ड में वो करेक्ट कैसे करता है तो ऑप्शन नंबर डी हार्डनेस को करेक्ट करता है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द डीमेरिट ऑफ़ एफ आर पी फिशिंग बेस तो इनमें से एफ आर पी फिशिंग बेस का डीमेरिट कौन सा है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हायर इनिशियल कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कन्वेंशनल बोट बोट बिल्डिंग मटेरियल इन इंडिया इनमें से कौन सा कन्वेंशनल बोट बिल्डिंग है बिल्डिंग मटेरियल है इंडिया में वो है ऑप्शन नंबर ए बुड ट्रैमल नेट इज आ चैमल नेट क्या है वो एक है थ्री लेयर चिल नेट है क्रूड ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज यूज एज आ प्रिजरवेटिव फॉर बोट्स अगेंस्ट फेदरिंग तो इनमें से क्रूड ऑयल जो कि क्या है इनमें किस किस फिश का यूज करके प्रिजर्वेटिव का बोट्स अगेंस्ट वेदरिंग के लिए प्रिजर्वेटिव करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर सैडी नेट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गियर इज यूज टू एक्सप्लोय टू फ्रॉम द इंडियन कोस्टल वाटर तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिफ्ट गिल नेट नेक्स्ट है फिशिंग नेट्स लॉस इन द ओशियन बट कंटिन्यू टू कैप्चर एंड किल फिश आर कॉल्ड फिशिंग नेट्स जो होते हैं ठीक है वो क्या हो गया ओशियन में लॉस्ट हो गया लेकिन वो कंटिन्यू कैप्चर करते हैं और फिश को मारते रहते हैं तो आंसर जो कौन से नैट होंगे वो होंगे घोस्ट नैट्स लीवर ऑयल ऑफ विच फिश हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाइटामिन एवर ऑयल जो है वो किस फिश का बहुत कम परसेंटेज ऑफ विटामिन ए रहता है उसमें तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉड नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ सुरीमी बेस्ड प्रोडक्ट इनमें से कौन सा सुरीमी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी टोमेली फिश मील इज प्रिपेयर फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ फिश मील जो है वो किसके द्वारा किसकी प्रोसेसिंग से प्रिपेयर की जाती है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज ठीक है डिस्कार पार्ट ऑफ द फिश एज कट गल्स एंड फाइनस एंड है स्पीसीज ऑफ स्मॉल साइज स्पीसीज विच आर नॉट पॉपुलर ऑल ऑफ दिज इज करेक्ट आंसर इन विच स्टेट श्रेम प्रोडक्शन इज मैक्म इनमें से कौन सा स्टेट है जो श्रेम uh, का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु स्टेट डोशल फिश एरोजन इन फिश इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डोशल फिश का जो आ, क्या हो रहा है एरोजन होता है फिश में वो तो किसकी डिफिशियंसी से होता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर लाइसिन की डिफिशियंसी से होता है नेक्स्ट है बी ओ डी ऑफ अ रिवर वाटर इज़ फाउंड वेरी हाई दिस मीन्स वाटर बी ओ डी किसी भी रिवर वाटर का बी ओ डी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होगा इज़ हाईली पोल्यूटेड मतलब कि जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है इसका मीन्स ये होगा इन एम ए पी फॉर द वाइट फिश एंड शेम विच रेशियो ऑफ कार्बन डिऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स द बेस्ट रिजल्ट इनमें से जो एम ए पी में है ना वाइट फिश और शिम्प के लिए कौन सा जो रेशियो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्टी थर्टी थर्टी नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज़ यूट्रोफिकेशन क्या है आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अबंडेंट फर्टिलाइजर्स इन द पॉन्ड पॉन्ड में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का होना यूट्रोफिकेशन है मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ इनमें से सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सी है एक्सटेंशन एजुकेशन की वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर मास अवेयरनेस प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिशरी सेक्टर इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट फिशरी को फ़िशरी सेक्टर को प्रोवाइड कराता है वो है ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड फिशरीज एक्सटेंशन यूनिट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट जो फिशरी एक्सटेंशन यूनिट है इंडिया में वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था आंसर है सी आई एफ आर आई से इसको स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट है सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फिश अवेलेबिलिटी यूजिंग इको साउंडर इज तो इनमें से एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना फ़िश अवेलेबिलिटी के किसका यूज़ करके इको साउंडर का यूज़ करके वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एसाउटिक सर्वे कहते हैं उसको एसाउटिक एक्का सर्वे कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन फिशरीज इनमें से कौन सा एप्लीकेशन होता है रिमोट फिशरीज में तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फिशिंग जोन नेक्स्ट है विच ऑफ विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पॉलिज ऑफ फिश प्राइमरी कॉज क्या है कारण क्या है स्पॉयिज ऑफ फिश का वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग पोस्ट हारवेस्ट एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाई फ़िशर वोमेन इनमें से कौन सी जो पोस्ट हारवेस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी की जाती हैं फ़िशर वोमेन के द्वारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अनलोडिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ फ़िश कैचेज़ द वाइटामिन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉड्येशन ऑफ इम्यूनिटी इज़ इनमें से कौन सा विटामिन जो है इम्पोर्टेंट है मॉडुलेशन ऑफ इम्यूनिटी के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी वाइटामिन सी नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट ट्रेड इन फिशरी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजीज एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिड्यूज इन फिशज नेक्स्ट है इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी विच सिक्योर्स क्रिएट क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि सिक्योर करती है क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को क्रिएशंस को वो है ऑप्शन नंबर सी कॉपीराइट वुमेन आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉमर्शियल हैचरीज एंड नर्सरी ऑपरेशन वुमेन जो कि कौन सी इन्वॉल्व होती है किस स्टेज में कमर्शियल हेचरीज और नर्सरी ऑपरेशन के तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ब्रॉड फिश सिलेक्शन और ट्रांसफर के ठीक है वेइंग ऑफ ब्रूड ब्रूड फिश और इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए पैकिंग करती है एंड फ्राई ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसर तो जगह लिप्टीज मतलब ये सारे स्टेज को नर्सरी ऑपरेशन को इन्वॉल्व रहती हैं वुमेन्स नेक्स्ट है द इंडियन एडिबल ऑइस्टर इज इंडियन एडिबल जो खाने योग्य ऑइस्टर है वो इंडियन कौन सा है वो है क्रेसोस्ट्रिया मैड्रेसेंसिस नेक्स्ट है मोस्ट एफिशिएंट ड्रेबिटी टाइप एरेटर फॉर फिश फार्मिंग इनमें से जो मोस्ट एफिशिएंट ड्रेबिटी टाइप का एरेटर है फिश फार्मिंग के लिए वो कौन सा है वो है कैस्केड टाइप इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रैम स्टेंट्स फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रैम है उसका मतलब क्या होता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी विच रिवर सिस्टम इज़ द ऑरिजिनल हैबिट ऑफ आई एम सी आई एम सी का ओरिजिनल हैबिटेट कौन सा है रिवर सिस्टम में वो है ऑप्शन नंबर सी गंगा एजोला इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट विथ हाई लेवल ऑफ एजोला जो है वो प्रोटीन कंटेंट में बहुत हाई लेवल में होता है वो कौन सा प्रोटीन कंटेंट है वो है आपका लाइसिन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश रूप इज मोस्ट अबेंडेंट इन स्वाम्प इनमें से कौन सा फिश रूप जो है बहुत ज़्यादा स्वाम्प में अबेंडेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कैटफिस नेक्स्ट द लार्जेस्ट एस इकोसिस्टम इन इंडिया इज तो आंसर जोगा ऑप्शन नंबर ए हुगली मातला नेक्स्ट है विच फ्रेश वाटर मसल इज यूज टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स इनमें से कौन सा वाटर मसल का यूज करते हैं पल्स के प्रोडक्शन में आंसर तो जो ऑप्शन नंबर सी लैमिलीडेंस मार्जिनेलिस ओके नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन काप्स तो इनमें से कौन सा जो फिश है ठीक है फिस्ट टाइप uh, है स्केल्स का फाउंड होता है काप्स में आंसर जेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर साइक्लोइड नेक्स्ट है राडूला इज एब्सेंट इन राडूला किसमें एब्सेंट होते हैं आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी बायल्बिया में एब्सेंट होते हैं विच इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इको सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इको सिस्टम है बायोमास प्रोडक्शन में आंसर जोगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेकिस वाटर इको सिस्टम नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर लिप स्प्रिंग इनमें से कौन सा लोअर लिप ट्रिंगड होते हैं तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लेवियो रोहिता कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर फिशिंग आर कंसीक्वेंसेस ऑफ ओवर फिशिंग का क्या है आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रिड्यूज हार्वेस्ट ऑफ टारगेटेड फिश इनमें से क्या करते हैं टारगेटेड फिश को हार्वेस्ट को रिड्यूस करते हैं द कोस्टल फिशरीज़ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ जो कोस्टल फिशरीज़ है इंडिया में वो किससे कंसिस्ट होते हैं ऑप्शन नंबर बी मैकर से कंसिस्ट होते हैं स्पेसिफाइड एरिया फॉर यूज़ ऑफ़ ट्रेडिशनल बेसल्स इन तमिलनाडु इज स्पेसिफाइड जो एरिया है ट्रेडिशनल बेसल्स का तमिलनाडु में तो वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर एट मीटर अंडर द लॉज ऑफ सी आ सी जोन ओवर विच आ स्टेट हैज़ राइट टू एक्सप्लोर एंड यूज़ मेराइन रिसोर्स इज़ लॉ ऑफ सी के अंडर पे एक सी जोन जो है वो ओवर किसके विच आ स्टेट हैज़ राइट टू एक्सप्लोर करने का एंड यूज़ मेराइन रिसोरसेज इज़ क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नेक्स्ट है लाइटोपेनियस बैनामाइन इज़ बिलोंग टू किससे बिलोंग करता है तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी क्रस्टेशी से बिलोंग करते हैं बायनोमियल नोमिनचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो ये जो बायनोमियल नोमिनचर है द्वि नाम पद्धति है वो कार्ल लीनियस के द्वारा दी गई है इसमें क्या होता है जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसमें एक जीनस होता है और स्पसीज होता है तो जो जीनस होता है उसे हम उसका फर्स्ट लेटर जो है हम उसे किससे लिखते हैं कैपिटल से लिखते हैं है, बाकी के सारे लेटर्स स्मॉल रहते हैं विच इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फिश पॉन्ड इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर फिश पॉन्ड में कौन सा है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरिन नेक्स्ट है चैंक फिशिंग इज एसोसिएटेड विथ सेल ये किसके किससे एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर बी चैंक स्पायरम से एसोसिएटेड है अ पौन्ड इजा एक पौंड क्या है तो आंसर चाहिएगा ऑप्शन नंबर सी एक नेचुरल इकोसिस्टम है क्या है एक तालाब एक नेचुरल इकोसिस्टम है सी फिश लिविंग क्लोज टू सी बेड्स आर कॉल्ड जो सी फिश हैं वो किसके क्लोज टू सी बेड्स के होते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट डेमर्सल कहते हैं सेपिया बिलोंग्स टू क्लास सेपिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सेफेलो क्लास से ये बिलोंग करते हैं नेक्स्ट है द फिश स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर इज़ आर कॉल्ड एज फिश स्पीसीज जो कि डेंजर होती है एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर में उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर शार्क इज फ्रेश वाटर शार्क कौन सी है वो है ऑप्शन नंबर बी बेलागो आत्तू फिश कल्चर टेक्निक इज सुटेबल फॉर कल्चर ऑफ सी पास वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर केज द लार्वा ऑफ लोबस्टर इज नोट एज लार्वा और लोबस्टर का क्या कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सीज करेक्ट आंसर फाइलोसोमा कहलाते हैं द एक्स ऑफ फिशेस आर एक्स ऑफ जो फिशेस के एक्स हैं वो क्या है वो है मेगा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन एब्सेंट विच इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर फिश पॉन्ड, तो फिश पॉन्ड के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर बेस्ट होते हैं फिश पॉन्ड के लिए द लार्वा दैट अकर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सी आर्किन इज जो लार्वा जो कि क्या होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सी आर्किन के में है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इकाइनो प्लूटस तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो कम्प्लीट होता है आई होप सो आपको ये जो वीडियो है पसंद आई हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ साथ ही साथ जुड़े रहे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ थैंक यू